हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 1976 की टॉप 5 सुपर डुपर हिट फिल्में। आप देख सकते हैं पीछे बारिश हो रही है, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं 1976 की टॉप 5 फिल्मों के साथ। जो 1976 में जो पाँचवीं सबसे बड़ी हिट फिल्म थी वो थी चरस, और चरस के कलाकार थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमजद खान। और धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी तो क्या कहे, सुपर डुपर हिट थी। और अनेकों फिल्मों में उन्होंने एक साथ काम किए थे। और इस पिक्चर के जो डायरेक्टर थे वो थे रामानंद सागर, जो कि आगे चल के रामायण जैसी एपिक धारावाहिक बनाया, जो कि अमर हो चुका है। और चरस के म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। उस 1976 की जो चौथी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी वो थी हेरा फेरी। हेरा फेरी के जो कलाकार थे वो थे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। और उसके अलावा सायरा बानू और सुलक्षणा पंडित भी थी इस फिल्म में। और पिक्चर के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा, और म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। 1976 की जो तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी वो थी दस नंबरी। दस नंबरी के कलाकार थे मनोज कुमार, हेमा मालिनी और प्राण। दस नंबरी के डायरेक्टर थे मदन मोहला, और म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये दौर था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और उसके अलावा आर डी बर्मन साहब का तो था ही था। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी भी बहुत धमाल मचा रही थी, एक से बढ़कर एक फिल्मों में एक से बढ़कर एक गाने दे रहे थे। तो दस नंबरी जो कि 1976 की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। अब मैं बताऊंगा आपको 1976 की जो कि दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म लैला मजनू। लैला मजनू जो कि ऋषि कपूर की एक और सुपर डुपर हिट फिल्म थी। मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं तो बॉबी के पिक्चर के बाद ये ऋषि कपूर की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी उस समय की। और उसके अलावा इसमें रंजीता थी जो मजनू का रोल किया था, और विलन का रोल किया था डैनी जेंजोकपा। डैनी जो कि 70 के दशक में एंट्री कर चुके थे, और शुरू में उन्होंने कई मुख्य भूमिका के रोल में भी काम किया, फिर उन्होंने नकारात्मक यानी कि नेगेटिव रोल विलन का रोल किया, और जिसमें काफ़ी सफलताएँ हासिल की। लैला मजनू में म्यूजिक दिया था मदन मोहन ने, और इस पिक्चर के डायरेक्टर थे हरनाम सिंह रावल। इस और जो कि लैला मजनू 1976 की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। अब मैं बताऊंगा आपको 1976 की पहले नंबर की सबसे बड़ी हिट फिल्म। 1976 की जो पहले नंबर की फिल्म थी यानी कि जो सबसे ज़्यादा हिट हुई थी 1976 में, ब्लॉकबस्टर हुई थी, वो थी नागिन। नागिन जो कि एक इच्छाधारी नागिन की मूवी है, जो कि बदला लेता है अपने पुराने दुश्मनों से। नागिन जब चाहे वो नागिन बन जाती है, और जब चाहे किसी को भी वो अपने बस में करके वो अपना पूरा बदला लेती है, या उसको ख़त्म कर देती है, मार देती है। तो ये मल्टी स्टारर मूवी है, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार थे इस पर, बहुत मल्टी स्टार मूवी थी ये नागिन। इसके कलाकार थे रीना रॉय, सुनील दत्त, जितेंद्र, फिरोज खान, मुमताज़, रेखा, विनोद मेहरा, संजय खान, योगिता बाली जैसे बड़े बड़े सितारों से भरा हुआ ये फिल्म था ये। और इस पिक्चर को म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस पिक्चर के डायरेक्टर थे राजकुमार कोहली। और जो कि नागिन उस दौरान बड़ी हिट हुई थी, और मैंने भी इस पिक्चर को कई बार देखा, और आज भी मेरे को जब भी देखता हूँ तो वो एक फेयर वाली, वो एक स्कैर्ड वाली फील आती है, डर वाली भी फील आती है, क्योंकि मुझे भी सांप से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। आई होप कि सांप से बहुत लोगों को दिलचस्प है नहीं, तो सांप वाली फिल्में या हॉरर फिल्में थोड़ा सा डर लगता है, खासकर सांप की जितनी ही फिल्में आती है। और तो आप बताइए इसमें से आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी थी। और अगर मेरी बात बताऊं तो मेरी फेवरेट फिल्म थी हेरा फेरी, जो कि कॉमेडी हेरा फेरी मूवी थी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अपने फेवरेट मूवी। और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।